कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार उसलवानी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी को इंडिया अलायंस की शराकत दारों से मुकम्मल हिमायत हासिल है। वानी ने कहा कि सब जानते हैं कि लोगों ने इस बार तब्दीली को वोट दिया है और उन्हें यकीन है कि चौधरी लाल सिंह पहले ही उधमपुर सीट जीत चुके हैं। वानी ने कहा कि बीजेपी के मेंबरान ने कभी अवाम के लिए काम नहीं किया और लोगों की जमीनें छीनी गई। प्रेस मीडिया एजेंसीज लोग जानते हैं कि उधमपुर की सीट पे लोगों ने चेंज के लिए वोट डाला और हम शुक्रिया अदा करते हैं लोगों का कि लोगों ने वहां पे बदलाव किया और बदलाव की राजनीति की और वहां पे मुझे पूरी उम्मीद है कि चौधरी लाल सिंह जो है कामयाब हो गए हैं। वहां से उन्होंने वहां से इलेक्शन जीत लिया, कांग्रेस ने वो इलेक्शन जीत लिया। आप कोई बीजेपी की पार्टी ये हवाबाजी करे अपने वर्करों का मनोबल बढ़ाने के लिए, जो टूट चुका है उनको पता चल चुका है, जो हमारे दोनों एमपी है वो पब्लिक में बिल्कुल फेलियर हैं। उन्होंने 5-6-10 साल किसी को शक्ल नहीं दिखाई, 10 साल वे लोगों से मिले नहीं, लोगों के काम नहीं किए, अपना सारा जो उनका एमपी लेड है वो जाया कर दिया है। जहां उन्होंने गोद पंचायतें ली थी, गांव लिए थे, वहां पे भी कोई काम नहीं हुआ, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ा, उन्होंने लोगों की बातें पार्लियामेंट में नहीं उठाई, उनके टाइम में 200-200 साल की जमीनें छीनी गई, उनने बात तक नहीं की, उनके टाइम में हमारी स्टेट का स्टेटस छीना गया, दोनों ने, जुगल किशोर ने भी और जतिंदर ने भी बात तक नहीं की, उनके टाइम में बेरोजगारी आसमान पे पहुंची, उन्होंने बात तक नहीं की, उनके टाइम में दरबार मुंह बंद हो गया, उन्होंने बात तक नहीं की, उनके टाइम में लोग जो 500 की बिल भरते थे 5-5 हजार तक पहुंची, उन्होंने बात तक नहीं की, उनके टाइम में रिक्रूटमेंट में इतने घोटाले हुए उन्होंने बात तक नहीं की, उनके टाइम में यहां प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लग गया, वो असेंबली वो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने पास किया, म्युनिसिपल ने बीजेपी की म्युनिसिपलिटी जहां थी उन्होंने पास किया, उन्होंने बात तक नहीं की। इसलिए लोग बदलाव की राजनीति चाहते हैं। उधमपुर में चौधरी लाल सिंह को हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बदले लोगों ने जिता लिया है।